जिन्होंने मेरे साथ रेप किया है वो 3 आदमी थे और एक लेडीज थी जिन्होंने मुझे मारा था ये सब करने के लिए। मैं शोर ना मचाऊं, जैसे मैं शोर मचाऊं तो मुझे मारती थी और धमकाते भी हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे मार देंगे। राजधानी दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टी और दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन दिल्ली के अंदर बढ़ रही महिलाओं के साथ रेप की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सामने आया है बुरारी थाना इलाके से, जहां 3 लोगों ने एक लड़की को बारी बारी से अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने पीड़ित लड़की से क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। आपको बता दें, यानी नेता और राजनेता और प्रशासन दिल्ली यानी महिला आयोग तक की मैं आप चैलेंज करने जा रहा हूँ कि यानी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी महिलाओं को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है सम्मान का। मैं आप उसी सम्मान में बुरारी थाना घिर चुका है। वहाँ के SHO महोदय अभी तक मुकदमा करने के बाद आरोपी को हिरासत में नहीं लिया है, जो कि जीता जागता सबूत हमारे सामने है। बताओ क्या मामला था, क्या हुआ जो इस तरीके से आप इतने परेशान और हरासमेंट में? उन्होंने मेरी वीडियो बनाई है जिससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ अभी तक, मैं डिप्रेशन में भी रहती हूँ। जिन्होंने मेरी वीडियो अभी तक डिलीट नहीं करी है और धमकाते भी हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे मार देंगे या कर देंगे। मैंने अब अपनी मम्मी को बताया है तो वो मैं थाने लेके गई है। थाना कौन सा? बुराड़ी। फिर क्या हुआ? अब वो पुलिस वाले ऐसे जिस तरीके से बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे मैं ही मुजरिम हूँ, वो उन्हें पकड़ ही नहीं रहे। अच्छा। बार बार हम कब मेरे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ रेप किया है, वो 3 आदमी थे और एक लेडीज थी जिन्होंने मुझे मारा था ये सब करने के लिए। मैं शोर ना मचाऊं, जैसे मैं शोर मचाऊं तो मुझे मारती थी। आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में कहाँ पे? गांधीनगर। गांधीनगर, लेकिन मामला तो बुराड़ी का है, तो आप बुराड़ी कैसे गए? क्योंकि मेरी वहाँ मौसी रहती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। जिनकी जिनका ऑपरेशन हुआ था, मम्मी ने भेजा था मुझे उनके साथ कि उनकी हेल्प करवा दूँ काम में, तो उनके लिए इजी हो जाए। तो मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ नीतू दीदी आती रहती थी, उन्हीं की फ्रेंड आती थी जी। तो वहाँ मैं, उन्होंने मुझसे कहा मेरी मम्मी नहीं है घर में, तो मेरे साथ चलो तो मैं सुबह छोड़ दूँगी। मैं चली गई थी, अब मैं चली गई, वो रास्ते में ऐसे घुमाती और रास्ता समझ में तो आया नहीं कौन सा घर था क्या था। बस फ्लैट में हम पहुँचे, जैसे पहुँचे वहाँ पे 3 आदमी आए, नींद उनके साथ बैठ गई, वो लोग नशा करने लगे। मैंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने दोबारा बोला, फिर उन्होंने मुझे गुस्से में बंद कर दिया। उसके बाद फिर एक आदमी आया, मैं ऐसे ज़बरदस्ती गया, मैं चिल्ला पड़ी मुझे छोड़ो, तो नीतू दीदी ने आके मुझे बहुत मारा कि जैसे ये चाहते हैं वैसा कर, वरना तो ये ख़त्म कर दूँगी यहीं पे, जिंदा लाश किसी को नहीं पता चलेगा, कोई किसी नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। तो फिर उसके बाद दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी भी आया, फिर सबने मेरे साथ ये भी किया और नीतू दीदी ने मुझे बीच बीच में मारा भी खूब। अच्छा। तो उसके बाद मैं इतनी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, मैं तड़प रही थी, ऐसा लग रहा था बस मैं मरने ही वाली हूँ। तो वो लोग, उन्हें रहम ही नहीं आया मुझ पर, तो उन्होंने कब मुझे छोड़ा कैसे छोड़ा, बस थोड़ा बहुत ही होश था मुझे कि मैं थोड़ा ही बहुत चल पाती थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। उसके बाद मैं कैसे उस जिस घटना पे, जिस स्थल पे आपके साथ ये घटना हुई, वहाँ से आप कैसे गए? उन्होंने घर से थोड़ी दूरी पर ही मुझे छोड़ दिया था गाड़ी से। कौन? नीतू दीदी साथ पे बैठी थी और एक आदमी था, उन तीनों में से ही कोई एक आदमी था, पर मुझे नहीं पता, उसने मैंने शक्ल नहीं देखी थी क्योंकि मैं इतने होश में भी नहीं थी और नीतू दीदी मुझे बार बार डराए जा रही। घटना होने से पहले बात क्या? अच्छा, वो छोड़ने जा रहे थे मुझे। जिस टाइम आपके पास ये घटना हो रही थी उससे पहले वो लोग क्या जो ड्रिंक किए थे आप बता रहे हैं, लेकिन उससे क्या उसके बाद आप पहचान सकते हैं उनको उससे पहले? हाँ, मैंने नाम सुना था, एक का नाम नितिन था और एक का राजीव नाम था, बार बार नीतू दीदी ले रही थी, तीसरे का नहीं पता। अच्छा। इसलिए बस नाम चेहरा अभी अगर मैं देखूँ तो पहचान ही लूँगी। आप पहचान लेंगे ना? पहचान सकती हूँ। पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि एक के बाल थोड़े कम थे, पुलिस क्या कुछ भी नहीं कर रही, वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे मैं ही मुजरिम हूँ, मुझे डांटते भी हैं। मेरी मौसी को भी पकड़ लिया उन्होंने, मैं मौसी को ले गए थे तो उन्होंने किसी होटल में उन्हें बंद रखा बयान बदलवाने के लिए कि ऐसा, ये याद पता नहीं कौन किस मौसी के जिसके यहाँ जिनके यहाँ मैं गई थी। अच्छा। उन्हें उन्होंने पकड़ा उनका बयान, अब वो जहाँ लेके गए वो पता नहीं उन्हें, लेकिन वो किसी होटल में ले गए थे उनका बयान बदलवाने के लिए। उन्हें मारा पीटा, उनका फ़ोन ले लिया, पूरी रात उन्हें
बयान बदलवाने के लिए बोला, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया वापसी। ऐसे ही वो हमसे भी, मेरी मम्मी से भी बोलते हैं कि पैसे दिलवा देंगे, 5 लाख रुपए दिलवा देंगे, ये सब बोल दो, सगर दो कि ये। तो मेरी मम्मी तो ये चाहते हैं मुझे इंसाफ मिले, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं या जब मेरी वीडियो, मेरी वीडियो को लेके मैं बहुत सदमे में थी, 10 किलो मेरा वज़न घट गया, इसलिए मेरी मम्मी पीछे पड़ी, तो मेरी मम्मी को बताना पड़ा कि मेरे साथ ये सब हो, बस वीडियो का डर था इसलिए मैंने नहीं बताया था किसी को। इस घटना को कितने दिन हो गए? इस घटने को हो गए 4 महीना, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अब तक जो है इस मामले में पुलिस ने क्या किया? क्या आपने आला अधिकारी से भी मुलाकात की? पुलिस ने कहाँ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, इतने दिनों से चक्कर काट रहे हैं। आरोपी क्या, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है? नहीं नहीं। तो आपको धमकी कौन दे रहा है? मुझे डर लगा ना, पहले से ही मुझे धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने कुछ बोला किसी से भी तो मुझे मरवा देंगे, मेरी फैमिली को, तो इसलिए मुझे डर लगता है। अच्छा, आपकी वीडियो यानी नीतू के पास है? मेरी वीडियो भी है, और वो मरवा भी देंगे तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने मुझे इतने साल से छोड़ा है तो मेरे, आप कुछ भी कर सकते हैं ना मेरी फैमिली के साथ, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती बाहर कहीं भी। मेरी मम्मी लेके जाती, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, डर लगता है मुझे। यानी वेस्ट, आपको बता दूँ, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट थाना बुराड़ी का ये कारनामा, यानी तीसरा महीना बीतने जा रहा है, रेप पीड़ित का मुजरिम को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार यानी युवती का कहना है कि अगर मेरी वीडियो डिलीट नहीं किया गया तो मुझे लगातार ब्लैकमेल किया जाएगा और मेरी जानमाल को भी खतरा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या रुख अपनाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी।